इंसान की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन होती है कुदरत। इंसान ने आज तक जो भी तरक्की की है उसमें कुदरत ने बनाई चीज़ें और जीव जंतुओं की प्रेरणा भूमिका काफ़ी अहम रही है। लेकिन क्या आपको पता है कुदरत से ही हम इतने प्रभावित क्यों हैं? क्योंकि कुदरत से बड़ा कलाकार और रचयिता कोई नहीं है। कुदरत अपने आप में ही अनोखी है। इंसान को धरती पर जन्म लिए 3 लाख साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो कुदरत की बराबरी नहीं कर सकता। इंसान ने मंगल तक झंडे गाड़े हैं, लेकिन कुदरत की कारीगरी की बराबरी कभी नहीं कर पाया। आज हम जानने वाले हैं कुदरत द्वारा रचित 10 सबसे अद्भुत घटनाएं। लेट्स बिगिन। बेगोंग पाइप्स। चाइना में स्थित बेगोंग पर्वत पर स्थित बेगोंग पाइप्स का रहस्य काफी गहरा है। आप जो देख रहे हैं इसे बेगोंग पाइप्स कहा जाता है। कई सारी पाइप्स यहाँ देखी जा सकती है, लेकिन जो सबसे रहस्यमयी बात है वो है ये पाइप्स यहाँ 1.5 लाख साल पहले लगाई जाने की संभावना है। ये वही समय था जब मानवता आग जलाना सीख रही थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी इंसानी सभ्यता द्वारा इसे रचे जाने की संभावना काफ़ी कम है। और तो और, इस प्रदेश में महज 30,000 साल पहले ही इंसान ने रहने की शुरुआत की थी। उससे पहले इंसानियत के कोई निशान यहाँ नहीं पाए जाते। फिर इसकी रचना किसने की होगी, ये काफ़ी बड़ा सवाल है। इस रचना का 92% हिस्सा इंसान को मालूम चीज़ें जैसे धातु, खनिज इत्यादि से बनाया गया, लेकिन 8% हिस्से के बारे में आज भी वैज्ञानिक कुछ नहीं जानते। मड वॉल्केनो। वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी तो आपको पता ही होगा, लेकिन वॉल्केनो यानी कि कीचड़, क्या कभी ऐसा हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि इस दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहाँ वॉल्केनो में लावा नहीं बल्कि कीचड़ पाया जाता है। अजरबैजान देश में पाए जाने वाले गोबुस्तान नेशनल पार्क में 11 मड वॉल्केनोज पाए जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये वॉल्केनोज आम वॉल्केनोज के मुकाबले खतरनाक नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वॉल्केनोज बनते ही जहरीली गैसेस की वजह से है। अगर आप अच्छी सेहत बनाए रखना चाहते हो तो इन वॉल्केनोज से दूरी बनाए रखने में आपकी भलाई है। ये वॉल्केनोज हजारों साल पुराने हैं, इसलिए सरकार इनका जतन करती है। हर 20 साल में यहाँ का वॉल्केनो एक फूटता है और अपने साथ कीचड़, पत्थर, दलदल, जहरीली गैसेस बाहर छोड़ता है। गर्म होने के बदले मड वॉल्केनो ठंडे होते हैं। दुनिया में ऐसे हजारों वॉल्केनोज आपको मिल जाएंगे। लावा बबल्स। इस दुनिया में शायद ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसे बहते लावे से डर नहीं लगता। कोई भी कितना भी जाबाज हो, इस उफान भरे लावा से पर्याप्त दूरी बनाए रखने में खुद को भला ही समझेगा। शायद आप लावा बबल्स के बारे में नहीं जानते होंगे। ये बेहद ही गजब की दुर्लभ घटना है। जब सतह पर जमा हुआ लावा ठंडी हवा की वजह से जमने लगता है तो ये लावा अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है और शुरुआत में उसका बाहरी हिस्सा जमने लगता है, लेकिन अंदरूनी हिस्सा अभी भी काफ़ी गर्म होता है। इसे कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए। दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जहाँ इस तरह के लावा बबल्स पाए जाते हैं, जिनसे आपको दूर रहना चाहिए। ये बबल समंदर के पानी में भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पानी का तापमान बढ़ जाता है। जेलीफिश लेक। जब हमारे दिमाग में जेलीफिश ये जीव आता है तो ये जहरीली जेलीफिश के काटे जाने की वजह से मुसीबत में पड़े लोगों की याद आती है। जेलीफिश यानी कि एक जहरीला जीव, कुछ इस तरह की तस्वीर हमारे दिमाग में बनती है। लेकिन एक तालाब ऐसा है जहां ज़्यादातर जेलीफिश ही पाई जाती है, वो भी बिना काटने वाली, यानी कि जहरीली नहीं होती। कैलवियो देश में पाई जाने वाली ये लेक बिल्कुल अलग है। 1,20,000 सालों से इस लेक में पनपते जीव अलग तरह से इवॉल्व हुए हैं। खारे पानी के इस लेक में नैसर्गिक टनल से होकर पानी आता है। इस लेक में तैरना काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित और सुहाना माना जाता है, क्योंकि यहाँ के जेलीफिश से आपको कोई ख़तरा नहीं है। काफ़ी ज़्यादा सैलानी इस तालाब में इन खूबसूरत जीवों के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए आते हैं। फिश रेन। जब हम बारिश के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है सुहाना मौसम, रिमझिम गिरता पानी, भीगी सड़कें और चाय की टपरी पर गर्म चाय की चुस्की लेने जमा हुए लोग। लेकिन क्या हो अगर आप सड़क से जा रहे हों और आसमान से अचानक मछलियों की बारिश होने लगे? ये देखकर आप हैरान हुए बिना नहीं रह सकते। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि अगर आप मछलियाँ खाते हो तो आप थैली लेके इन आसमान से गिरती मछलियों को उठाकर घर ज़रूर ले जाओगे। कुछ ऐसा ही मंजर देखा जाता है हॉन्डुरस देश में। जी हाँ, यहाँ साल में कम से कम एक बार बारिश ऐसी होती है जब आसमान से मछलियाँ बरसती हैं और लोग जमा होते हैं इन्हें घर ले जाने के लिए। रास्ते थम जाते हैं, लोग रुक जाते हैं और भीड़ इन मछलियों को जमा करने में लग जाती है।
समंदर में आए वाटर स्पाउट यानी कि समुद्री तूफान की वजह से पानी के साथ साथ मछलियां आसमान में उड़ती चली आती हैं, और ये तूफान तब थम जाता है तभी ये मछलियां शहर में बरसती है। ऐसा सालाना होता है। स्पाइडर रेन। स्पाइडर एक ऐसा जानवर है जिसे शायद ही कोई इंसान पसंद करता होगा, क्योंकि स्पाइडर के संपर्क में आते ही होने वाली हानि से हर कोई भलीभांति परिचित है। लेकिन स्पाइडर की अलग अलग तरह की खासियत की वजह से वैज्ञानिक इस पर कई तरह के रिसर्च कर रहे हैं। मकड़ियों पर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम स्पाइडर मैन है, जो आपने ज़रूर देखी होगी। लेकिन क्या बारिश और मकड़ियों का कोई संबंध हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इस दुनिया में कई बार मकड़ियों की बारिश हो चुकी है। जी हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा में रही ऑस्ट्रेलिया के एक शहर में हुई मकड़ियों की बारिश। 2015 में ऑस्ट्रेलिया में आसमान से हजारों की संख्या में लोगों के ऊपर मकड़ियां बरसने लगी। इस तरह से मकड़ियों को शरीर पर गिरते देख लोग वाकई में परेशान हो गए। हालांकि इस तरह की बारिश की वजह से ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस पर की गई रिसर्च से पता चला कि काफ़ी मकड़ियों ने ऊंचे पेड़ों पर जाले बुने थे। तेज़ हवा इन जालों के साथ साथ मकड़ियों को भी ले आई। परिणाम के तौर पर लोगों ने मकड़ियों की बारिश का अनुभव किया। अर्थ पिरामिड्स। आप में से शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जो पिरामिड्स के बारे में नहीं जानता हो। इजिप्ट और मैक्सिको के पिरामिड्स तो काफ़ी ख़ास माने जाते हैं, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि ये हमारी दुनिया की बनावट है। अर्थ पिरामिड को देख ऐसा लगता है मानो ये किसी दूसरी दुनिया की देन है। इटली में बने ये अर्थ पिरामिड्स पूरी तरह से नैसर्गिक है। इसमें किसी भी तरह की कृत्रिमता की मिलावट नहीं है। किसी पहाड़ों जैसे इन पिरामिड्स के ऊपर पत्थर भी देखे जा सकते हैं। ये पिरामिड्स 25,000 साल पुराने होने की आशंका है। आइस एज के बाद इन पिरामिड्स का फॉर्मेशन हुआ होगा, ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है। स्टार जेली। जेली एक ऐसा पदार्थ है जिसे बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं। जेली से बने काफ़ी पदार्थ हम खा सकते हैं, लेकिन क्या इस दुनिया की सभी जेली से बनी चीज़ें हम खा सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। जेली हमारे लिए घातक भी हो सकती है। खैर, आज हम वॉशिंगटन अमेरिका में हुई एक घटना के बारे में जानने वाले हैं। जब एक आम सा दिन था और बारिश शुरू हो गई। बारिश में आमतौर पर पानी और ओले बरसते हैं, मगर इस बारिश में जेली जैसा पदार्थ पानी के साथ बरस रहा था। ये क्या था, ये अच्छा था या बुरा था, इसका अब तक लोगों को कोई अंदाज़ा नहीं है। पेड़ पौधे, गाड़ियां और ज़मीन पर कई सारी स्टार जेली दिखाई देने लगी। इस स्टार जेली को छूने के बाद लोगों के बीमार पड़ने के मामले सामने आए। तेज़ बुखार, सांस लेने में तकलीफ, ये स्टार जेली से बीमार हुए लोगों में लक्षण दिखाई दिए। लेकिन ये जेली आसमान से गिरने की कौन सी वजह थी, इसका कुछ भी पता नहीं चल पाया।